हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स गो एक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको जो है रिवीजन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के अंदर नया टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता दूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ और अपने पास आउट का एलुमनाई रह चुका हूँ। अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग से जुड़ गया था, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टॉक्सिकोलॉजी सीरीज़ के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं दोस्तों थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये है कि ये एकदम लाइव होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर पे बैठे बैठे आप अपनी लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन का इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं इंटर्न्स का एग्जाम्पल लूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहते हैं, तो ऐसे में वो एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में भी वो स्टूडेंट भी अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ पे लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर से वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन हैं, तो वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। बस आपको क्लिक करना रहेगा जो आपको सही ऑप्शन लगता है और उसका आंसर आपको तुरंत आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि आप घर पे बैठे बैठे लाइव क्लासेस का तो बेनिफिट उठा ही रहे हैं, साथ के साथ आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी घर बैठे बैठे कर रहे हैं, वो भी लाइव। आप क्वेश्चन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं लाइव क्लास में और फिर उसका आंसर आपको तुरंत आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा और फिर एजुकेटर वो आपसे डिस्कस कर लेगा। यहाँ पे आपको अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा ये वो लर्न एनी टाइम एनी वेयर। दोस्तों आपको करना बस ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVADRAM, अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी सब्सक्रिप्शन टाइम पे मेरा ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा मेरा कोड यूज़ करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 4500 का। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 11250 का। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 18000 का। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का। दोस्तों अगर यहाँ पे आप अगर गौर करें तो 12 मंथ के उसमें अगर मैं 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूँ, यानी कि 1 मंथ और ऐड कर दूँ मैं इसमें, तो टोटल हो जाता है ये 27000 रुपीज। तो दोस्तों आपने देखा 13 मंथ के चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि आप एक तरीके से पे करेंगे 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए मिलेगा। दोस्तों जनरली देखा जाता है कि जो एग्ज़ाम है अभी 8 महीने बाद है, मई स्टार्ट हो गया, 8 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो दोस्तों ऐसे में क्या कहते हैं, एग्ज़ाम होगा फिर उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी, जब तक काउंसलिंग होती तब तक एम्स का एग्ज़ाम की बारी आ जाती है। तो दोस्तों आप एग्ज़ाम के बाद भी आप अपने पढ़ाई के टच में रहो तो ऐसे में आपके लिए 24 मंथ का पैक एकदम कारगर रहेगा। क्योंकि दोस्तों आप पढ़ाई के बाद भी आप अपने जो है आप एग्ज़ाम के बाद भी आप अपने पढ़ाई के टच में रह सकते हैं, आप एजुकेटर के टच में रह सकते हैं, नए नए अपडेट के टच में रह सकते हैं, तो आपकी से एम्स की तैयारी भी आगे चल के हो
हो जाएगी, और भी नेशनल इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे घर बैठे बैठे आपको जो है हर चीज की सुविधा मिल रही है। आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए बार बार ट्रैवलिंग नहीं करना, ट्रैवलिंग टाइम के लिए वेस्टेज नहीं होगा, आपको वहाँ पे चेयर पे नहीं बैठना, यहाँ पे आप कंफर्टेबली अपने घर पे आराम से बैठ के आप सारी क्लासेस लाइव कर सकते हैं। प्लस क्वेश्चन के ऑप्शन भी आप दे सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ऑप्शन चूज करके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा मैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अ पॉइजन विच इज ल्यूमिनस ट्रांसल्यूसेंट एंड वैक्सी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? तो इसके अंदर दोस्तों ल्यूमिनस ट्रांसल्यूसी एंड वैक्सी आयोडीन नहीं होता है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड नहीं होता है, कोबरा वेनम नहीं होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, येलो फॉस्फोरस का करेक्ट आंसर है, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो येलो फॉस्फोरस का सही आंसर था। तो येलो और व्हाइट फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी ल्यूमिनस सिलेंडर ऑफ गार्लिक की स्मेल एंड टेस्ट। सिंस दोस्तों यहाँ पे गार्लिक की स्मेल की बात चली, तो गार्लिक की स्मेल को याद करने के लिए आपको एक निमोनिक देता हूँ, वो है कैप। तो दोस्तों ये हो गया गार्लिक की स्मेल के लिए, ये हो गया गार्लिक की स्मेल के लिए। तो दोस्तों सी से हो गया सेल्फोस, ए से हो गया दोस्तों आर्सेनिक, और दोस्तों पी से हो गया दोस्तों आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। तो दोस्तों आपने देखा सी ए पी, इस कैप निमोनिक से आपके गार्लिक की स्मेल आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें, तो ऑप्शन है आयोडीन, अमोनियम ब्रोमाइड और कोबरा वेनम। तो आयोडीन अकर एज ब्राउन सॉफ्ट एंड स्केली क्रिस्टल विद अ मेटेलिक लस्टर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट, इट गिव्स अ वॉयलेट कलर वेपर हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑडर एट ऑल टेम्परेचर। कास्टिक एल्कलीज अकर एट व्हाइट पाउडर, वेयर एज वेनम यानी कि कोबरा जो स्नेक्स होते हैं उनका जो वेनम जो जहर होता है वो सलाइवा एक तरीके से मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, वो इज फेंट ट्रांसपेरेंट येल्लो एंड स्लाइटली विस्कस विच बिकम स्लाइटली टर्बेंट वेन एक्सपोज टू सन। तो दोस्तों सिर्फ ट्रांसलूसेंट वैक्सी और इल्यूमिनेस जो है जो होता है वो येल्लो फॉस्फोरस होता। तो दोस्तों ऐसे में हम बात करते हैं येलो फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बारे में। तो वाइट फॉस्फोरस ही जब एयर के एक्सपोजर में आता है तो वही येलो बन जाता है। तो ये वाइट फॉस्फोरस इज ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी इल्यूमिनस क्रिस्टलाइन सिलेंडर, जबकि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो होता है रेडिश ब्राउन एमॉर्फस नॉन ट्रांसल्यूसेंट एंड नॉन इल्यूमिनस सॉलिड मास। दोस्तों स्मेल की अगर बात करें तो गार्लिक की स्मेल और टेस्ट होता है इसके अंदर, लेकिन रेड फॉस्फोरस जो होता है दोस्तों ओडोरलेस एंड टेस्टलेस होता है। एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी एंड ल्यूमिनोसिटी की अगर बात करें तो हाईली एक्टिव, टॉक्सिक एंड ल्यूमिनस इन डार्क, लेकिन रेड फॉस्फोरस की दोस्तों अगर बात करूँ तो इनर्ट, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन ल्यूमिनस। दोस्तों सॉल्युबिलिटी की अगर बात करूँ तो इनसॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड फ्रीली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन दोस्तों जो रेड फॉस्फोरस होता है वो इन सॉल्युबल इन कार्बन डाई सल्फाइड। एक्सपोजर टू एयर की दोस्तों अगर बात करें तो इजिली ऑक्सीडाइजेबल एंड गिव्स ऑफ डेंस वाइट फ्यूम ऑफ फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग गार्लिक की ऑडर एंड ल्यूमिनोसिटी। फ्यूम ग्लोज विद पेल येलो कलर फॉस्फोफोरेसेंस, इग्नाइट एट 34 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो कैप अंडर वाटर। लेकिन दोस्तों अगर रेड फॉस्फोरस की बात करें तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग, नॉन फ्यूमिंग, दैट इज डोज डज नॉट गिव्स ऑफ फ्यूम एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। यूजेस की दोस्तों अगर बात करें तो फर्टिलाइजर, फायरवर्क, गन पाउडर, रोडेंटिसाइड एंड वर्मिन किलर, यानी कि ये पटाखे जो फर्टिलाइजर्स, गन की जो बुलेट्स होती हैं, गन पाउडर, उन सब के अंदर यूज होता है, लेकिन ये मैच स्टिक में यूज होता है ऑन साइड स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स एलॉन्ग विद पाउडर्ड ग्लास। मैजेस्टिक टिप कंटेन मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी सल्फाइड। तो दोस्तों अगर हम इस टेबल के हिसाब से देखें तो इन जनरल भी अगर हम देखते हैं तो येल्लो फॉस्फोरस ज्यादा घातक होता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्पल लाइनिंग ओवर गम इज सीन विद क्रॉनिक पॉइजनिंग। तो पर्पल लाइनिंग, तो अगर दोस्तों मैं और ज्यादा करेक्ट करूं तो ग्रीनिश, तो ग्रीनिश पर्पल लाइनिंग ओवर गम इज सीन इन विच क्रोनिक पॉइजनिंग। तो दोस्तों ये कॉपर पॉइजनिंग के अंदर देखा जाता है, मैग्नीशियम के अंदर नहीं, लेड के अंदर नहीं, मर्करी के अंदर नहीं, कॉपर के अंदर देखा जाता है। तो थोड़ा सा और जानते हैं हम इसके अंदर, कॉपर ग्रीनिश पर्पल लाइन्स ऑफ गम देखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया सी। थोड़ा दोस्तों और भी जानते हैं आर्सेनिक के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर क्या कलर रहता है। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि गोल्डन येलो कलर के हो जाते हैं इसके अंदर, तो येलो कलर ऑफ स्किन, हेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, मिल्क रोज यानी कि ब्राउनिश पिगमेंटेशन भी इसके अंदर देखा जाता है। कॉपर की बात करें तो दोस्तों जॉन्डिस स्किन हो जाती है, ग्रीनिश ब्लू स्किन, हेयर एंड परस्पिरेशन। मर्करी की दोस्तों अगर बात करें तो ब्राउन या फिर ब्लैक ब्लू लाइन ऑन गर्म विच लूजनिंग ऑफ टूथ, नेक्रोसिस ऑफ जॉ, ब्राउन डिपॉजिट ऑन एंटीरियर लेंस कैप्सूल, जिसको मैंने बताया था दोस्तों मर्क्यूरियल लेंटिस, इसके लिए मैंने न्यूमोनिक दिया था आपको 3 मीट्स। इसके बाद करें तो एक एम से ये होता है और ए से होता है एक्रोडाइनिया, पिंक डिजीज, जो मैंने आपको पिछली लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। लेड की दोस्तों का बात करें तो ब्लू स्ट्रिपलिंग बटोनी लाइन्स ऑन गम्स इसके अंदर देखा जाता है। द एवरेज फेटल पीरियड ऑफ कॉपर पॉइजनिंग इज, तो दोस्तों एवरेज फेटल पीरियड की बात चल रही है कॉपर पॉइजनिंग की, तो दोस्तों ये होती है 1 से 3 दिन, ये होती है दोस्तों 1 से 3 दिन। तो लगभग अगर कॉपर सब एसिटेट की बात करें तो 15 ग्राम इसका फेटल डोज होता है, कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये 30 ग्राम होता है, इसको ब्लू विट्रोल के नाम से भी हम जानते हैं। तो फेटल पीरियड दोस्तों इसका होता है 1 से 3 दिन, जैसे मैंने आपको बताया, तो 30 से 60 मिनट नहीं, 3 से 7 दिन नहीं, 7 से 14 दिन नहीं। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। प्रॉक्सिमल ट्यूबुल प्रोटीनूरिया एंड पेनफुल बोन लेजन आर सीन इन ओवरडोज ऑफ, तो दोस्तों यहाँ पे पेनफुल बोन लेजन की भी बात चली, तो ये दोस्तों देखा जाता है कैडमियम के अंदर, तो लेड के अंदर नहीं, मर्करी के अंदर नहीं, फिनॉल के अंदर नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं, तो कैडमियम, तो कैडमियम जैसे बताया था मैंने आपको, नेक्रोसिस ऑफ पीसीटी एंड प्रोटीनूरिया। दोस्तों और कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटीन जो पीसीटी नेक्रोसिस करते हैं, वो हैं दोस्तों कैडमियम जैसे मैंने आपको बताया अभी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लाइजोल, मर्करी एंड फिनॉल, तो ये सारी चीज़ें जो है पीसीटी नेक्रोसिस करते हैं। तो थोड़ा दोस्तों कैडमियम के बारे में भी जानते हैं, तो ये कैडमियम, कैडमियम करता है दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया, बोन पेन, मल्टीपल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड वाटलिंग गेट, गोल्डन येलो स्टेनिंग ऑफ टीथ भी इसके अंदर देखा था, और एम्फिसीमा, एम्फिसीमा और एनीमिया भी इसके अंदर देखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल फ्यूम फीवर इज कॉमन इन क्रॉनिक पॉइजनिंग विद, तो दोस्तों मेटल फ्यूम फीवर किसके अंदर देखा जाता है, तो देखा जाता है दोस्तों ये जिंक पॉइजनिंग के अंदर, मर्करी के अंदर नहीं, लेड के अंदर नहीं, थैलियम के अंदर नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। जैसे दोस्तों मेटल फ्यूम फीवर के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, मेटल फ्यूम फीवर इज अ सेल्फ लिमिटिंग इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्यूट एक्सपोजर टू फ्यूम्स और स्मोक ऑफ जिंक। इट इज कॉज्ड प्राइमरली बाय एक्सपोज टू जिंक ऑक्साइड फ्यूम ड्यूरिंग हीटिंग और वेल्डिंग गैल्वेनाइजिंग मेटल। दोस्तों इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स आर फीवर, हेडेक, मसल एक, मलेज, फ्लू लाइक चिल्स, नॉजिया, वॉमिटिंग, सलाइवेशन। तो दोस्तों ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये मलेरिया लाइक सिम्टम की तरह शो करता है। टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल विद स्वेटिंग एंड चिल, मलेरिया लाइक सिम्टम। तो ये मिमिक करता है दोस्तों, मिमिक मलेरिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन प्रेजेंट टू इमरजेंसी विद राइगर एंड चिल एंड अ क्लिनिकल पिक्चर रिजेंबल मलेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग इज लाइकली। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जिंक पॉइजन जो होता है वो मलेरिया की तरह मिमिक करता है, मलेरिया की तरह मिमिक करता है।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सी, ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फॉल्स अबाउट एक्यूट एल्युमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है फॉल्स, तो सब एंडोकार्डियल इन्फॉक्शन करता है, प्रोड्यूस और फॉस्फिन गैस ये भी करता है, इनिबिट माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये भी करता है, एसोफेगल स्ट्रक्चर नहीं दोस्तों ये नहीं करता है। जब दोस्तों इंसान अगर बाई चांस बच गया तो ये शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एल्युमिनियम फॉस्फाइड और सल्फोस पॉइजन लिबरेट फॉस्फिन गैस विच इनिबिट माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इन सबको ये इनिबिट करता है दोस्तों, इट इज सिस्टमिक पॉइजन एंड किल्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट विच इन 24 आवर्स सेकेंडली टू कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स ड्यू टू डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिक इफेक्ट। इसोफेजल स्ट्रक्चर एंड फिस्टुला अकर इन फ्यू सर्वाइवल। तो इसोफेगल स्ट्रक्चर या फिस्टुला बहुत फ्यू सर्वाइवल के अंदर होते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ही कम होते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो लीस्ट अक्रेंस में जो इसका आंसर होगा वो होगा इसोफेगल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कॉस्टिक पॉइजन इरोड म्यूकोसा बिकॉज। तो दोस्तों जो कॉस्टिक पॉइजन होते हैं वो जो है हाइग्रोस्कोपिक एक्सट्रैक्शन की वजह से ये करते हैं, तो इट फिक्स डिस्ट्रॉय एंड इरोड द सरफेस विद विच इट कम्स इन कॉन्टेक्ट। दे एक्ट मेनली लोकली बाय हाइग्रोस्कोपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, हाइग्रोस्कोपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू हीमेटिन। एज अ रूल देर इज नो रिमोट सिस्टमिक एक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ शॉक। तो दोस्तों कोरोसिव पॉइजन के अंदर क्या क्या आते हैं, मिनरल एसिड आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, वेजिटेबल एसिड आते हैं, अल्कलीज आते हैं। तो मिनरल एसिड के अंदर दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HCl ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर दोस्तों ऑक्सैलिक एसिड आता है, कार्बोनिक एसिड आता है, सैलिसिलिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है। वेजिटेबल एसिड के अंदर दोस्तों हाइड्रोसाइनिक एसिड आता है, एल्कलीज के अंदर दोस्तों कास्टिक पोटाश और कास्टिक सोडा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि कास्टिक पॉइजन एरोड म्यूकोसा बिकॉज ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर इन वाटर, ब्लू लाइक एक्शन नहीं, हाई एफिनिटी फॉर म्यूकोसा नहीं, बींग प्रोग्राम टू स्टिक नहीं। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, विच टाइप ऑफ कैटल पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ लिंसेट प्लांट। तो दोस्तों यहाँ पे लिंसेट की बात चल रही है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन में से एक। तो दोस्तों लिंसेट प्लांट जो है हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है रिलीज करता है, एकोनाइट नहीं, पिलोकार्प नहीं, एट्रोपिन नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है लिंसेट प्लांट। तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड डी, तो लिंसेट प्लांट ये है आपका लिंसेट प्लांट। बीटा आलमंड स्मेल इसके अंदर आती है। तो HCN की अगर बात करें तो प्रोसिक एसिड और स्किलिस एसिड के नाम से भी हम जानते हैं इसको। तो HCN इज अ वेजिटेबल एसिड फाउंड इन फ्रूट एंड लीव्स ऑफ आलमंड, एप्रिकॉट, एप्पल, बैम्बू, चेरी, पीच, प्लम, फ्यू ऑयल सीड एंड बीन इन फॉर्म ऑफ हार्मलेस ग्लूकोसाइड एमाइलडेलिन। कोएग्जिस्टिंग एंजाइम इमल्शन कन्वर्ट इट टू साइनिक इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हाइड्रोसाइनिक एसिड इज अ कलरलेस गैस और ट्रांसपेरेंट वॉलेटाइल लिक्विड डेट कैन डिकम्पोज रैपिडली ऑन एक्सपोजर टू लाइट विद अ पेनिट्रेटिंग ऑडर रिजेंबलिंग डेट ऑफ बिटर आलमंड। तो दोस्तों ये बिटर आलमंड स्मेल प्रोड्यूस करता है। यंग लिंसेट प्लांट यील्ड फ्री HCN। तो दोस्तों ये है लिंसेट प्लांट, यही जो है HCN को रिलीज करता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन में से कि बिटर आलमंड स्मेल किस में से आती है, तो लिंसेट प्लांट में से आती है हाइड्रोसाइनिक एसिड रिलीज होने की वजह से। तो दोस्तों बिटर आलमंड स्मेल फाउंड इन पॉइजनिंग ड्यू टू, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोसाइनिक एसिड के अंदर आता है। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ए नहीं है, सी नहीं, ऑगल फॉर्चुअल नहीं है, डी नहीं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, एमाइल नाइट्रेट इज यूज एज अ एंटीडोट इन। तो दोस्तों जो एमाइल नाइट्रेट है वो HCN साइनाइड के अंदर ये एंटीडोट की तरह ये काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सी। तो ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, सी नहीं।
तो दोस्तों, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि HCN की अगर हम बात करें तो ये एमाइल नाइट्रेट इसका ट्रीटमेंट होता है। तो 60% पीपल हैव एबिलिटी टू डिटेक्ट इट स्मेल। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग अकर इन कैटल ऑन ईटिंग यंग प्लांट ऑफ लिंसेट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था लिंसेट प्लांट के अंदर ये पाया जाता है HCN, कंटेन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड विच अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज ब्रेक एंड यील्ड फ्री हाइड्रोसाइनिक एसिड। इन साइनेट पॉइजनिंग पीपल आर फिक्स एंड डायलेटेड। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, एमाइल नाइट्रेट इज एन एंटीडोट ऑफ पॉइजनिंग विक। तो अब तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, HCN इसका करेक्ट आंसर है। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं। तो थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, मोड ऑफ एक्शन इसका कैसे होता है HCN का। इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फॉर द ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इन सेल। तो दोस्तों, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा सेल के अंदर। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया देखा जाएगा, डेट ड्यू टू साइटोटॉक्सिक या फिर हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। लेस इफेक्टिव इफ, किसके केस में ये लेस इफेक्टिव रहेगा पॉइजन, ये कैप फॉर टू लॉन्ग या फिर पेशेंट हैव ए क्लोरहाइडिया, यानी कि पेट में जब HCl कम बनता है, पेट में एसिड कम होता है, तो ए क्लोरहाइडिया कंडीशन उसको बोलते हैं, तो उस केस में भी ये लेस इफेक्टिव कर देगा। टेकन फुल स्टोमक और विथ मच वाइन, तो उस केस में भी ये लेस इफेक्टिव कर देगा। तो दोस्तों, नॉन पॉइजन सॉल्ट की अगर बात करें तो फेरोसाइनेट और पोटेशियम फेरोसाइनेट इसका नॉन पॉइजन सॉल्ट इसका है। तो दोस्तों, जैसे ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि एमाइल नाइट्रेट इसका ट्रीटमेंट में एंटीडोट है, उसके साथ साथ दोस्तों सोडियम नाइट्रेट भी इसका ट्रीटमेंट में आता है। सोडियम थायोसल्फेट PAPP यानी कि पैरा अमीनो प्रोपियोफेनोन और 4DMAP या फिर EDTA या फिर B12, तो ये सारी इसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग नाइट्रेट इन साइनेट पॉइजनिंग इज टू प्रमोट। तो दोस्तों, एमाइल नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट हम क्यों देते हैं हम, तो ये दोस्तों हम देते हैं मेथ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन हो इस वजह से। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर दिखाया था कि प्रमोट मेथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, तो दोस्तों ये प्रमोट करने के लिए ही हम ये नाइट्राइड देते हैं, तो मेथ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, बी नहीं, सी नहीं, ई डी नहीं, ई नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, द कॉज ऑफ डेथ इन साइनेट पॉइजनिंग इज। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से ये हिस्टोटॉक्सिक या फिर साइटोटॉक्सिक एनोक्सिया ये शो करेगा, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, तो ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फॉर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इन सेल, तो ये दोस्तों इसका हो गया करेक्ट आंसर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक या फिर हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया ये शो करेगा। तो साइनेट पॉइजनिंग एक्ट बाई, तो कैसे एक्ट करता है, इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस नहीं, इनहिबिटिंग एंजाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, इनहिबिटिंग सेलुलर रेस्पिरेशन हाँ, क्योंकि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, तो इनहिबिटिंग प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं, तो ये सी हो गया इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, द नॉन पॉइजनिंग सॉल्ट ऑफ साइनाइड इज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है नॉन पॉइजनिंग सॉल्ट के अंदर ये आता है, तो पोटेशियम साइनाइड नहीं, हाइड्रोसाइनिक एसिड नहीं, सोडियम साइनाइड नहीं, तो दोस्तों नॉन पॉइजनस की बात चल रही है, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें कवर कराई मैंने, एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैंने आपको पर्पल लाइन ओवर गम्स मैंने बताया था, जैसे मैंने स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन लिया था कि पर्पल लाइन ओवर गम्स, ये किस केस में देखी जाती है दोस्तों, ये कॉपर के अंदर देखी जाती है दोस्तों, इसको क्लेप्टन लाइन्स के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, कॉपर की बात चली तो पेनिसिलामीन इसका एंटीडोट होता है, तो सीलामीन जो है इसका एंटीडोट होता है, तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने क्या क्या रिवाइज कराया था,
मैंने पिछली क्लास में रिवाइज कराया था मैंने मेटलिक पॉइजन, जैसे कि आर्सेनिक, मरकरी, और मैंने एक कराया था दोस्तों लेड पॉइजन। तो दोस्तों एक एक करके एक उसको रिविजन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो एनीमिया, पंक्टेट बेसोफीलिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लू लाइन एंड एब्डोमिनल कोलिक आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपियम एडिक्शन नहीं, आर्सेनिक पॉइजनिंग नहीं, मर्करी पॉइजनिंग नहीं। तो दोस्तों ये लेड पॉइजनिंग इसका आंसर है, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो एक बार दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं कि इसके लिए मैंने निमोनिक क्या लिया था। दोस्तों इसके लिए निमोनिक जो दिया था मैंने वो दिया था ए बी सी डी ई एफ, ये दिया था मैंने इसका निमोनिक दोस्तों। ए से दोस्तों था एनीमिया, और ए के से था दोस्तों एमिनोरिया, बी से दोस्तों मैंने बताया था बर्टोनियन लाइन, बी से दोस्तों होता है बेसोफिलिक स्टिपलिंग, सी से दोस्तों मैंने बताया था कोलिकी एंड कॉन्स्टिपेशन, कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन, डी से दोस्तों होता है ड्रॉप। इसके अंदर क्या क्या दोस्तों आते हैं, रिस्ट ड्रॉप, एक आता है दोस्तों फुट ड्रॉप, ई से दोस्तों मैंने बताया था एनसेफलोपैथी, एक ई से दोस्तों होता है ईडीटी, इसका एंटीडोट होता है, इसका एंटीडोट होता है, एफ से दोस्तों होता है फेशियल पैलर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लेड पॉइजनिंग। पेन की कलर चेंज कर देता हूँ मैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए। तो ये लेड, तो ये हो गया लेड पॉइजनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक्रोडाइनिया इज एसोसिएटेड विद। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्रोडाइनिया मर्करी पॉइजनिंग के अंदर ये दिखाई देता है, ऑक्सैलिक एसिड नहीं, फिनोलिक एसिड नहीं, ऑक्सैलिक एसिड नहीं, कार्बोलिक एसिड नहीं। तो मर्करी पॉइजनिंग के लिए मैंने बताया था थ्री मीट्स, इसको थोड़ा सा दोस्तों अच्छी राइटिंग में कर देता हूँ मैं ताकि ये समझ में आसानी से आए। ये M E A T S, तो M M M E A T S ये मैंने बताया था दोस्तों मीनामाटा डिजीज, एक M से मैंने बताया था दोस्तों मर्क्यूरियलेंटिस, एक M से था दोस्तों मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ई से था दोस्तों एरिथिज्म, ए से था दोस्तों एक्रोडाइनिया, इसी को दोस्तों पिंक डिजीज के नाम से जानते हैं हम, पिंक डिजीज के नाम से जानते हैं हम। टी से हो गया ट्रेमर्स, एस से हो गया दोस्तों एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन। तो दोस्तों थ्री मीट्स इसका निमोनिक हो गया, ये दोस्तों हो गया मर्करी पॉइजनिंग। तो ये हो गया दोस्तों मर्करी पॉइजनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अ मिडिल एज्ड मैन प्रेजेंट विद पैरेसिजिया ऑफ हैंड एंड फीट, एग्जामिनेशन रिवील प्रेजेंस ऑफ मीजलाइन इन द नेल एंड रेड फ्रॉम पिगमेंटेशन इन द हैंड, द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव टॉक्सिन फॉर द अबव मेंशन सिम्टम इज। तो दोस्तों ये जैसे मैंने आपको दिया था आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर, तो इसके लिए मैंने मुझे दिया था आर्सेनिक, तो इसके लिए दोस्तों मैंने बताया था आर्सेनिक। तो ए से हो गया एल्ड्रिच मीज नाइन, ये एबॉर्शन के भी काम आता है। आर से हो गया दोस्तों रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, और एक होता है रेन रेड वेलवेटी म्यूकोसा,
ऐसे दोस्तों हो गया सब एंडोकार्डियल हेमरेज, हेमरेज ई से हो गया दोस्तों एक्सेसिव पिगमेंटेशन, एन से दोस्तों हो गया न्यूराइटिस, आई से हो गया दोस्तों आयरन ऑक्साइड इज एंटीडोट, सी से दोस्तों हो गया मिमिक कॉलेरा। सिंस दोस्तों आर्सेनिक पॉइजनिंग की बात चल रही है तो मैं बता दूं कि इसके अंदर बी ए एल यानी कि ब्रिटिश एंटीलिविसाइड यानी कि डायमर कैप्रोल इसका एंटीडोट होता है। तो ये सारी जो बातें चल रही थी दोस्तों ये चल रही थी आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए। लेड नहीं, आर्सेनिक था, थैलियम नहीं, मर्करी नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूं ये हो गया एल्ड्रिच मीज लाइन, दोस्तों ये हो गया रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, और ये हो गया एक्सेस हाइपर कैरेटोसिस ऑफ, हाइपर कैरेटोसिस ऑफ। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती है आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती है आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म करता हूं, लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपको बताता हूँ डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटी फॉर अ टेम्परेरी कम्फर्ट। तो दोस्तों अभी 8 महीने बचे हैं दोस्तों, इस 8 महीने के टाइम पीरियड में अगर आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो दोस्तों ये आप अपनी अपनी ही अपॉर्चुनिटी को आप बर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे दोस्तों ये इस लैडर की सहायता से बाहर निकल सकता है, लेकिन सिंस अपने टेम्परेरी कम्फर्ट के लिए या ये जो लैडर्स के जो स्टेप्स हैं इनको चला दे रहा है तो ये अपनी ही अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप भी अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट किया है तो दोस्तों आप भी अपनी अपॉर्चुनिटी को बर्न कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। दोस्तों अगर अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आप काफ़ी सारा कोर्स आप कवर कर जाएंगे बहुत जल्दी, और फिर उसके बाद आप रिविजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टेम्परेरी कम्फर्ट के लिए प्लीज़ अपना समय वेस्ट ना करें, आप जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दें। कहते हैं ना कि अभी की पढ़ाई जिंदगी भर काम देगी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। एक बार आपको नीट पीजी का सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छे से, अगर बहुत अच्छी रैंक आती है तो अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो आपकी पूरी लाइफ समर जाएगी। योर माइंड इज वेरी पावरफुल, यू कैन अचीव योर ग्रेटेस्ट ड्रीम और यू कैन पुट योरसेल्फ इन मेंटल प्रिजन। तो दोस्तों जैसे मैं आपको हमेशा कहते हैं कि जो है ये पूरा गेम जो है ये पूरा गेम दोस्तों माइंड का है। आप या तो पिछली बार जिन्होंने अच्छा नहीं किया था वो उस गिल्ट में रह के पूरा डीमोटिवेट होकर अपने टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने माइंड को समझा के आप उससे बाहर निकल सकते हैं और आप काफ़ी अच्छे से अपनी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बारी अपने माइंड सेट को चेंज करिए, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। एक बारी अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ड्रीम को काफ़ी आसानी से अचीव कर ले जाएंगे। दोस्तों पूरा खेल माइंड का है, अगर आप माइंड को स्टेबल बना लेते हैं, जैसे कहते हैं ना जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी विद अ गुड रैंक। हमेशा अपने अंदर ये मोटिवेशन लेके आइए, अगर आप ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, तो प्रॉब्लम इन रियल लाइफ वो ऐसी होती दोस्तों, लेकिन आप हेड में उसको एकदम बड़ा सा बना लेते हैं। दोस्तों नीट पीजी का एग्जाम में लाखों बच्चे देते हैं इसका एग्जाम मानते हैं, लेकिन ये आपको चाहिए अपने लिए एक सीट, आपको अपनी एक सीट के लिए फाइट करना है। कोशिश करिए कि आप जो है 1200 नंबर में से आप 1000 नंबर ले आओ तो आपको बहुत आसानी से आपको सीट मिल जाएगी।
आप फाइट करिए कि मेरे को एक ही सीट चाहिए, मेरे को 10-15 सीट नहीं चाहिए, एक ही सीट चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि आप जो है करीबन 2 डिजिट 1 डिजिट रैंक, 2 डिजिट रैंक, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 डिजिट रैंक के अंदर आप अपनी रैंक ला सको, उस हिसाब से मेहनत करो। अगर आप वैसे मेहनत करते हैं तो आपकी नीट पीजी 100% क्रैक हो जाएगी। तो ये दोस्तों जो प्रॉब्लम है, आप एक बार ही अपने माइंडसेट को बदलिए, कोशिश करिए कि जो है इस हिसाब से तैयारी करने के लिए, जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि अपने अगर आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं तो आप करीबन 4 से 5 महीने बड़ी आसानी से आप कोर्स खत्म कर सकते हैं। और इन 4 से 5 घंटे को भी 2 स्लॉट में डिवाइड कर दिए। पहला स्लॉट आप थ्योरी का कवर करिए और दूसरा स्लॉट आप जो है एमसीक्यू सॉल्व करिए। एमसीक्यूज हो गया, टेस्ट हो गया, ग्रैंड टेस्ट हो गया, है ना, ग्रैंड टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आप करिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक चैप्टर पढ़ा फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, फिर एक चैप्टर पढ़ा फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों जनरली मैं जो प्रिफर करता हूँ कि लोग क्या करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, दिन भर सोते हैं, तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करो आप, क्योंकि नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3:30 बजे से शाम को होता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप शाम को सोने की आदत डाल देते हैं तो वो फिर आपको अचानक से एग्ज़ाम से पहले फिर आपको अपने शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आप क्या करिए कि 3:30 बजे से आप अपना ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए, आप अपना ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए। इससे दोस्तों क्या होगा, अगर आप डेली 3:30 बजे से ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो आप अपने उस एग्ज़ाम के रूटीन में आ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम 3:30 बजे से होता है दोस्तों। तो एक तरीके से अगर आप 3:30 बजे से अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, ग्रैंड टेस्ट देते हैं, और पूरे साल भर अगर आप देते हैं, तो दोस्तों आपकी एक तरीके से आपकी वो एक प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपके रूटीन में आ जाएगा, आपके हैबिट में आ जाएगा। तो आपको खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद आपको फिर नींद वींद का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और फिर एग्ज़ाम में आप ज़्यादा अटेंटिव तरीके से आप ये चीज़ आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो दोस्तों जिन लोग की आदत है कि रात भर पढ़ना और दिन भर सोना, तो हो सके अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, अगर मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो यही करूंगा कि आप इस आदत को अपना बदलिए कि दिन भर सोना रात भर जागना। तो इससे दोस्तों क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम पे नींद आएगी। तो दोस्तों इसलिए 3:30 बजे से आप डेली ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए। इससे होगा दोस्तों ये कि आप उस रूटीन में आप आ जाएंगे। इफ द प्लान डजंट वर्क चेंज द प्लान नेवर द गोल। दोस्तों जो लोग इस साल ड्रॉप आउट हैं, जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, तो दोस्तों सोचिए कि आपने लास्ट टाइम ऐसी क्या गलती की थी, ऐसी क्या प्लानिंग की थी जो आपके काम नहीं आई। तो अगर आप फिर से उसी प्लानिंग पे चल रहे हैं तो दोस्तों ना करें, अपने प्लान को चेंज करें, ठीक है। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होके अपने गोल को ही बदल देते हैं, MBBS बन के ही फिर वो कोशिश करते हैं कि JR बन जाएंगे और फिर कोई छोटा मोटा कोर्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ ना करें, डीमोटिवेट ना हो। अगर पिछली बार आपकी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो इस बार प्लानिंग को चेंज करें, गोल को चेंज मत करिए। एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, अपने अंदर हिम्मत लेके आइए, प्लानिंग को बदलिए। जैसे मैंने आपको अभी आपको प्लानिंग बताई कि अगर आप डेली 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो उसको 2 स्लॉट में डिवाइड कर लिए, 4 से 5 घंटे का एक स्लॉट और 4 से 5 घंटे का दूसरा स्लॉट, जिसके अंदर आप थ्योरी कवर करो और दूसरे में MCQs और टेस्ट वगैरह दीजिए। तो इससे होगा ये कि आप एक अच्छी प्लानिंग में आएंगे। 3:30 बजे से एग्ज़ाम देना स्टार्ट करिए, ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट करिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या है, आपको काफ़ी अच्छे से आपका कोप अप करने में मदद करेगा। पिछली बार जो हुआ, पिछले साल जो हुआ उसको भूल जाइए, उससे गलतियों से सीख लेते हुए नई स्टार्ट करिए। तो दोस्तों अभी आपके पास यही एक ऑप्शन है कि अपने माइंड सेट को चेंज करना। तो दोस्तों इसके साथ आज का टॉपिक खत्म करता हूँ। एंड करने से पहले हमारा जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, इससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड बनाने के लिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि दोस्तों ये एक प्री रिकॉर्डेड क्लास है, ये एक प्री रिकॉर्डेड क्लास है दोस्तों। तो ऐसे में क्या होगा, मैं आपके क्वेश्चन डाउट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ। आपके कोई भी डाउट हो आप ऐप के अंदर लाइव क्लासेस के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे वहीं पे। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो रेफरल कोड है वो है LIVDRAM। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों जनरली 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे LIVDRAM, तो
तो ये आपको 30,000 नहीं देना, ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज सिर्फ। तो दोस्तों ऐसे ही जो 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो हैं 22,500। ऐसे दोस्तों 1 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो होते हैं दोस्तों 4,000, वो दोस्तों होते हैं 4,500। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये आता है 27,000 रुपीज। तो दोस्तों आपने देखा 13 मंथ के चार्जेस में ही आपको टोटल 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से आप पे करोगे 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए मिलेंगे। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली जो एग्ज़ाम होता है वो जो है 8 महीने बचे हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद जो है रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद जो है फिर जो है काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग जब तक होती है तब तक एम्स का एग्ज़ाम आता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम के बाद भी, नीट पीजी एग्ज़ाम के बाद भी आप अपने शेड्यूल के साथ बने रहें, आप पढ़ाई के टच में रहें, तो उस हिसाब से दोस्तों आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन पैक काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि सिर्फ 13 मंथ यानी कि 1 साल का एक्स्ट्रा का चार्जेस दे के आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों। तो जब आप फर्स्ट ईयर के PGT भी बनेंगे तो भी आपको ये सारी पढ़ाई आपकी काम आती रहेगी, आपका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के जो एजुकेटर होंगे आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके काफ़ी काम आएंगी दोस्तों। तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी साथ आज की रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।